दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलहयातीन सिरप के बारे में। अलहयातीन सिरप किस काम आता है? दोस्तों, अलहयातीन सिरप जिगर पेट को शक्ति प्रदान करे और शरीर के अन्य अंगों की सूजन दूर करने में सहायक है। जैसे पेट, मैदा, जिगर, आंतों और यूट्रस की सूजन दूर करने में लाभदायक। पेट की चर्बी खत्म करता है, पेट की गर्मी खत्म करता है, लीवर को फैलने से रोकता है। दोस्तों, अलहयातीन सिरप आपके शरीर में हर अंग की सूजन ताड़ने में बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। दोस्तों, अगर इसके साल्ट की बात करें तो इसमें बादियान इसमें 45 mg में होता है। बिक कासनी ये भी 45 mg में होता है। तुख्म कासनी, तुख्म खैरैन, परश्योषण, गुले गफीस, तुख्म खराफ्स, गुले नीलोफर एंड इवन चीनी, बिख, इधकर मखी, मको खुश्क, मको खुश्क भी 45 mg में होती है। बरंज शीफ ये भी 45 mg में होती है। अफसनतिन रूमी, नौशादर भी आपकी 22 mg में होती है। हीरा कसीस, गुले सुर्ख एंड नबत सफ़ेद, किट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोट। दोस्तों, आपको ये सब इस सिरप के अंदर देखने को मिल सकता है। आप जहाँ से भी यह सिरप खरीदो तो आपको इसी के पीछे वाले हिस्से पर आपको इसके साल्ट, फिर इसके जड़ी बूटियाँ जो इस सिरप में है वो आपको देखने को मिल सकती है। इसकी mg एंड इसकी डोज भी आपको उसी पर ही देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अगर इसकी डोज के बारे में बात करें तो 10 to 15 ml आर टू बी टेकन विद 1 cup हॉट वाटर मिक्सड इन द मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। दोस्तों, 10 से 15 ml 1 cup हॉट वाटर यानी गर्म पानी में मिक्स मिलाकर मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, सुबह, दोपहर, शाम इसका प्रयोग करें 10 से 15 ml। दोस्तों, यह भी आपको उस सीसी पर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसके प्राइस तो हम सेम नहीं बता सकते क्योंकि कंपनी उसमें चेंज करती रहती है। हम उसके बारे समथिंग बता सकते हैं। दोस्तों, अगर 100 ml सिरप की बात करें तो यह 80 रुपये तलक का आ जाता है। दोस्तों, अगर 500 ml की बात करें 300 तक का आ जाता है इसके समथिंग। अगर 200 ml में बात करें तो यह 140 रुपये तलक का आ जाता है, या 5 रुपये का अंतर आ सकता है, कंपनी इनमें चेंज करती रहती है। दोस्तों, अगर इसकी कंपनी की बात करें तो यह सदर लेबोरेटरीज PTT सदर कंपनी की होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।